हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल में और टेक्निकल अवे यूट्यूब फैमिली में। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाना है। अदरवाइज़ आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टेक्निकल स्पेस अवे स्पेस फैमिली और उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बताना चाहूँगा, अगर वहाँ पर आप नहीं हैं तो सीरियसली बहुत कुछ मिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बायनमो पे कोई स्ट्रैटेजी बताओ जहां से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकें, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो 100% वर्किंग हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में शौक रखते हैं या इन्वेस्ट करने का मन रखते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में, तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है अभी तक जो कि 100% आपको रिजल्ट दे। ये आप नोट करके रख लो यार माइंड में। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के लिए आपको ट्रेंड्स फॉलो करने होते हैं, न्यूज इंपैक्ट का ध्यान रखना होता है, लेवल सेगमेंट्स इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सारी चीज़ों, बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत एक मिक्सचर है और बहुत सारे कॉम्बिनेशन से एक परफेक्ट सिग्नल जनरेट होता है। उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो भी 100% करेक्ट होगा, बट आपको काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो सकता है। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसे आप 10 में से 7 ट्रेड ज़रूर जीतेंगे अगर मार्केट अच्छा हुआ तो। फ्राइडे के दिन काफ़ी सारी हलचल होती है मार्केट में, तो मैं रिकमेंड करूंगा उस दिन आप ट्रेड ना लें। एक और चीज, अगर लाइक जरूर कर देना यार वीडियो पसंद आए तो, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। चलिए, सबसे पहले आप बायनमो की जब एप्लीकेशन खोलेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको साइनअप कर लेना है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट का एक ऑप्शन है, जो कि मैं अभी रियल अकाउंट में लॉग इन हूँ, जहाँ पर मेरा जो अमाउंट है, बैलेंस है, वो $1600 है, $1600 something। सो गाइज, आप हम इसी अकाउंट से यानी लाइव अकाउंट से लेने वाले हैं ट्रेड। सो गाइज, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज कुछ स्टेप्स अगर आप मिस कर देंगे तो समझ में नहीं आएंगे और उसके बाद आप वीडियो को शुरू से आपको वापस देखना पड़ेगा। इसलिए लास्ट तक देखना और मज़ा ज़रूर आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा जब फर्स्ट टाइम आप खोलोगे एप्लीकेशन को। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, कैंडल्स को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बेसिकली मैं कैंडल्स को प्रेफर करता हूँ, जहाँ से आप इजीली बायर्स और सेलर्स को डोमिनेट, किस कौन किस पर डोमिनेट कर रहा है, आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट का जो है इसको आपको 1 मिनट कर लेना है, और दूसरी चीज़ जो ऑटो स्केलिंग का एक ऑप्शन नीचे देख पा रहे हैं, इसे डिसेबल कर देना है, जो कि ऑलरेडी अनेबल होगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे जाके आपको एलिगेटर और पैराबोलिक सार, ये 2 ऑन कर देने हैं। हमेशा याद रखना, ये जो स्ट्रेटजी है इसको पैराबोलिक सार की स्ट्रेटजी बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेटजी है बट एडवांस लेवल पर भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है। जब मार्केट अच्छा नहीं होगा तब ये फेल होगी, लेकिन जब मार्केट अच्छा चल रहा होगा तो स्ट्रेटजी अच्छे से करने वाली है। हम ट्रेड लेने वाले हैं $20 की, क्यों? क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ जाएंगे, जो कि आगे आने टाइम में आपको पता लग जाएगा। टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं यार 1 मिनट की, आप इसे स्ट्रेटजी को ज्यादा टाइमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, देखिए यहां पे ऊपर आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, जैसे ही अगर ऊपर आप डॉट देखेंगे मतलब वहां से रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी, तो वहां से आपको यह ध्यान रखना है कि रेड कैंडल बनेंगी तो आपको क्या करना है वहां पर। तो रेड कैंडल बनेगी मतलब जैसे ही ऊपर आप डॉट देखेंगे, नीचे ऐसे कर्व की शेप में देखेंगे, तो इसका मतलब आप सीधा आंख बंद करके 2 मिनट की या 1 मिनट की ट्रेड ले लो नीचे की तरफ। मैं 2 मिनट की ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और अगर आप नीचे देखोगे, कैंडल्स के नीचे अगर बना होगा ये डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी अब, और जैसे ये पैराबोलिक शेप में आता है यानी गोल शेप में आता है, सेमी सर्कल शेप में, तो उसके बाद आपको बिना सोचे समझे 2 मिनट की ट्रेड ले लेनी है ऊपर के लिए। सिंपली इसको कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी, कन्फर्मेशन लेने के लिए थोड़ा सा जूम करना है आपको और ये देखना है रेड, जो आप 3 लाइनें देख पा रहे होंगे, एक वाइट कलर की, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। तो वाइट कलर की लाइन को छोड़ दो, भूल जाओ, रेड कलर की लाइन जब भी येलो कलर की लाइन को क्रॉस करेगी और जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, आप आँख बंद करके उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, ठीक है। एक और चीज़ गाइज, ये काफ़ी कुछ इंटेलिजेंट लोग भी होंगे जो भाई देखेंगे वीडियो को और बोलेंगे भाई ट्रिक नहीं वर्क करती है, ट्रिक है ये और कोई ट्रिक यहाँ पे बाइनरी मार्केट में वर्क नहीं करती, तो भाई आप लोगों के लिए बता देता हूँ, हमेशा याद रखो कि कभी भी ट्रिक आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी, ना ही 90% रिजल्ट देगी, बट जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो एडवांस लेवल पे हैं तो भाई वो तो प्राइस एक्शन और उन सारे चीज़ों पे, मार्केटिंग रिसर्च पे, ट्रेंड्स पे ट्रेड लो, बट जो नहीं पता जिन लोगों को इन सारी
चीज़ों के बारे में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये चीज़ होने वाली है। तो गाइज अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कर्व ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं किया और ये क्रॉस कर गया है और मैंने आँख बंद करके ऊपर की ट्रेड ले ली है एक मिनट के लिए। हालांकि मैं दो मिनट के लिए लेना चाहता था, बट कोई बात नहीं, आप एक मिनट की भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप एक मिनट की ट्रेड पर भी विन करोगे और दो मिनट की ट्रेड पर ज़्यादा चांसेस होंगे आपके विन करने के। आप दोनों ट्राई करना, जिससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप वो चूज़ कर लेना। देखना नीचे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, रेड कलर की लाइन येलो कलर की लाइन के बिल्कुल टच में है और उसको क्रॉस करने ही वाली है। आपको यही ध्यान रखना है, जैसे ही ये जो रेड कलर की लाइन है येलो कलर की लाइन को टच करती है, आपको सीधा ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेनी है। दूसरी जो चीज़ है, हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला है अभी पैराबोलिक सार की तरफ से। आप देख पा रहे होंगे एक डॉट ऊपर जो है बन रहा है और उस डॉट ब्लिंक कर रहा है वो डॉट। हल्का सा कन्फर्मेशन है यहाँ पे पैराबोलिक सार की तरफ से, लेकिन जैसे ही पैराबोलिक सार का एक भी डॉट आपको नीचे की तरफ मिलता है तो भाई उसका मतलब तो फिर ऊपर ही जाएगी ट्रेड। आप सोचो भी मत, बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत काफ़ी अच्छे टाइम के लिए वर्क करती है। ड्रॉ हो गया है, सॉरी हम जीत गए हैं $33, ठीक है। प्रॉफिट हो गया है हमें, यानी $20 पे $33 का प्रॉफिट, ठीक है। $13 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे चल नहीं रहा है। अब यही चीज़ आपको देखनी है, फिर से मैं एक ट्रेड और ऊपर की तरफ लूँगा। रीज़न सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की लाइन है, उसे रेड कलर की लाइन ने क्रॉस किया है और यहाँ अगर ऐसा केस बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड है अगले एक दो मिनट के लिए ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड ऊपर के लिए ले ली है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, जीतते या हारते हैं। $20 की ट्रेड ली है मैंने, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं एक मनी मैनेजमेंट प्लान पे। हमेशा याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि कभी भी जो भी जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे हारने और जीतने के पीछे जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है मनी मैनेजमेंट का। कैसे मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, यार वीडियोस देखो पता लग जाएगा मनी मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। अगर हम एक ट्रेड हारते हैं तो दूसरी ट्रेड जीतते, अगर दूसरी ट्रेड कितने की लगानी है, जैसे अगर मैं $20 की ट्रेड हार जाता हूं तो मैं जो सेकंड ट्रेड है वो मुझे कितने की लगानी है। अब देखिए ये वाली ट्रेड भी हम जीत गए हैं, $33 यहाँ पे हो गए हैं। सो गाइज आपने देखा किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक को लेके, यानी यूज़ करके 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड आप जीत सकते हैं। और लेकिन यार डिपेंड करेगा मार्केट पे भी, मार्केट भी अच्छा होना चाहिए पर्टिकुलर डे। अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, यानी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहीं पर ट्रेड रोक दो, नेक्स्ट डे ट्रेड ले लो और थोड़ी देर बाद ट्रेड ले लो। लेकिन अच्छे मार्केट जब चल रहा होगा, कोई न्यूज़ इंपैक्ट नहीं होगा, तब जाके आप ट्रेड लो और अच्छा खासा विन यहाँ से आप करोगे। उम्मीद करता हूँ यार ट्रिक अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और यार अच्छी लगी तो यार कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। चलिए गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर शिकायत हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।